हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन अगर आपने देखा होगा क्या ज़बरदस्त रैली मार्केट ने दिखाई है, एंड सभी लोगों को याद हुआ होगा वो दिन जब मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहा था। मतलब मैं बात बोलूँ तो 40,000 तक सेंसेक्स जा चुका था, एंड उसके बाद मार्केट में इतनी बुरी करेक्शन आ चुकी थी कि 3,000 पॉइंट सेंसेक्स का टूट चुका था। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी गिरावट, 37,000 तक सेंसेक्स आ चुका था। निफ्टी की भी बात करें तो सिमिलर वे प्रोपोर्शनेटी या फिर परसेंटेज बेसिस पे हम लोग बात करे थे तो उतनी ही गिरावट हम लोगों को निफ्टी में भी देखने को मिली थी, जहाँ पे मार्केट 10,500 तक नीचे आया था। एंड मैंने तभी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया था दोस्तों कि डरना नहीं है, दोस्तों आप लोगों ने मार्केट में बने रहना। एंड मैंने इतना वीडियो तभी बनाया था, इतने सारे वीडियो थे, आप चाहो तो सितंबर मंथ में मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना मैंने किस तरीके से वीडियो बना दिए थे। हर एक वीडियो में एक ही चीज़ मैं बोलता था, खरीद लो जितना हो सके, शेयर को खरीद लो, लूट लो, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर्स सारे एक साथ नीचे आ रहे हैं। मतलब कंपनी में इंटरनल इशू नहीं है, वो एक्सटर्नल इशू है। एंड जो आप सभी लोगों को पता है कि बजट के बाद थोड़ा फॉरेन निवेशक नाराज हो चुके थे, वो एग्जिट हो चुके थे, बहुत सारे जो फॉरेन की कंपनीज थी उन्होंने भी इंडिया को जो रेटिंग्स दी थी वो डाउनग्रेड दी थी। उसी के साथ साथ इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो चुका था, उसी के साथ साथ ऑटो सेक्टर भी पिट रहे थे। तो इतनी बुरी चीज़ें एक साथ आ चुकी थी तो मार्केट कोलैप्स होना शुरू हो चुका था। तभी बहुत सारे लोगों ने, मैं सीधा बोल सकता हूँ कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे कितने सारे लोगों ने वीडियोस बना दिया था कि एग्जिट कर लो, मार्केट 5,000 तक आने वाला है, निफ्टी सेंसेक्स 10,000 12,000 तक आने वाला है, 20,000 तक आने वाला है। ऐसी अफवाहें बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे फैला दी थी, एंड आज भी मेरे पास वो प्रूफ है कि तभी मैंने एक वीडियो बना दिया था एंड आप लोगों को एंड सीधा सीधा मैंने चैलेंज दिया था कि मार्केट वापस अपना हाई टच करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप लोगों को वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज वही लोग बता रहे हैं कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें चलती है दोस्तों कि रिटेल निवेशक होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती स्टॉक मार्केट की, एंड उनको गुमराह किया जाता है। एंड आज आप देख सकते हो मार्केट क्या कर रहा है, वापस अपने रिकॉर्ड हाई पे आ चुका है। तो अभी आप उनसे वही सवाल पूछ लीजिए कि आप तो बता रहे थे कि मार्केट तो गिरने वाला था, आज तो मार्केट भाग रहा है, तो उनके पास जवाब नहीं रहेगा। दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि कोई भी डिसीजन आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के जो वीडियोज़ रहते हैं उसको देख के नहीं लेना चाहिए। एंड इनफैक्ट मैं ये भी बोलता हूँ कि मेरी भी वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने खुद रिसर्च करना चाहिए, मेरी भी एनालिसिस गलत जा सकती हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप देख सकते हो मार्केट वापस हाई पे आ चुका है। एंड तभी मैंने वो डायलॉग भी यूज़ किया था कि मार्केट वापस हाई चला जाएगा, मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एंड आप लोगों को बता दूंगा कि मार्केट अप चला जाएगा, इन शेयर को खरीद लो, बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग थे। एंड आज जिन भी लोगों ने वो शेयर खरीदे थे उनकी तो लॉटरी लग गई। तो ऐसे ही होता है दोस्तों मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आज मार्केट हाई पे चल रहा है और नए हाई बनाएगा, वापस वहाँ पे करेक्शन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों आज जिस तरीके से मार्केट ने 150 पॉइंट से भी ज़्यादा की जंप निफ्टी में बताई है, उसके पीछे की असली वजह मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड वो वजह मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताने वाला हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट है उसमें ऑफिशियल न्यूज़ आई है, उस बदौलत बताने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, एंड ये न्यूज़ इतनी बड़ी है कि इसका इम्पैक्ट और भी फ्यूचर में मार्केट में हो सकता है। मतलब कुछ एनालिसिस ने ये भी कह दिया कि मार्केट 12,500-13,000 तक भी जा सकता है निफ्टी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी ये न्यूज़ है। तो चलिए सबसे पहले उसके ऊपर जाने से पहले आज के दिन का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आप देख सकते हो सेंसेक्स 41,000 के करीब, ऑलमोस्ट 41,000 के करीब, क्या गजब का परफॉर्मेंस है। जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट ऐसे ही चलता है, हर वक्त मार्केट आपकी तरफ ही नहीं चलेगा, बट जब चलेगा तब आप लोगों का पोर्टफोलियो बहुत गजब का करके देगा। एंड आज आप देख सकते हैं जिन लोगों ने भी पेशेंस के साथ होल्ड किया होगा उनके पोर्टफोलियो में अच्छे खासे, आज बोलते हैं ना, स्टॉक आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दे रहा होगा। अभी गलती होगी रिटेल निवेशकों की, अब क्या करेंगे, अब जब एक्चुअल टाइम में आप लोगों ने एंट्री करना चाहिए था तब वो एंट्री नहीं किया, अब लोग उनको बताएंगे कि यहाँ पे एंट्री कर लो करके, तो वो ऊपरी स्तर पे एंट्री कर लेंगे एंड वापस फंस जाएंगे। तो दोस्तों अभी आप लोगों को देखना है, बहुत ही अच्छा मार्केट चल रहा है एंड अभी आप लोगों को पेशेंस के साथ होल्ड करना है। जितनी रैली आई तो आप लोगों को पोर्टफोलियो को देखना है कि कैसा परफॉर्मेंस आप लोगों को दे रहा है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी का भी परफॉर्मेंस, क्या गजब का परफॉर्मेंस है दोस्तों, 160 पॉइंट से भी ज़्यादा की जंप, अप्रॉक्सीमेटली जंप हम लोग कह सकते हैं, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड जैसे मैंने कहा था कि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न ऑल टाइम का इसमें आ चुका है। तो चलिए दोस्तों NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कुछ डिटेलिंग देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 160 पॉइंट की जंप, एंड जितने 50 स्टॉक थे उसमें से 44 स्टॉक आज पॉजिटिव रिटर्न दे रहे, 6 स्टॉक ऐसे जो कि नेगेटिव रिटर्न दे रहे। एंड सबसे बढ़िया बात आप यहाँ पे देख सकते हो, जो स्टॉक सबसे ज्यादा पैनिक में होते हैं, जो निफ्टी को नीचे लाते हैं, उसी स्टॉक ने आज सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मतलब आप देख सकते हो जो स्टील
से रिलेटेड रहते हैं, मेटल स्टॉक हम लोग जिसको बोलते हैं, जो प्रेशर में रहते हैं, उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी सामने न्यूज़ आई है दोस्तों, वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड उसी बेस के ऊपर हम लोग कह रहे हैं कि निफ्टी और भी ज़बरदस्त चलने वाला है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं जो लूज़र है, टॉप लूज़र, वो भी आपके सामने मैंने ओपन किए, जहाँ पे आप येस बैंक तो सभी लोगों को पता था कि नीचे आएगा क्योंकि BSE सेंसेक्स को उससे निकाला गया था। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसको खरीदो, मुझे नहीं पता कि किस बेसिस पे कहा था, मैं यही कहूँगा कि फिलहाल तो इसमें पेशेंस के साथ होल्ड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग अलग डिपेंडेबल होती है। सो फिलहाल आज के दिन का परफॉर्मेंस हम लोग ने यहाँ पे देख लिया, तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं आगे का कुछ हेडलाइंस। तो हेडलाइंस में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आज के ही दिन का हेडलाइंस है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप टाइम डेट देख सकते हैं, सिर्फ 2 घंटा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, सेंसेक्स, सेंसेक्स ने क्या किया, ऑल टाइम हाई यहाँ पे अचीव किया 40,931.71 का। उसी के साथ साथ निफ्टी 50 है वो सिर्फ 19 पॉइंट थोड़ा सा दूर रह चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से रिलेटेड, जो कि वो आगे कभी ना कभी तोड़ देगा। तो दोस्तों आप देख सकते किस तरीके से ज़बरदस्त मार्केट आज अभी परफॉर्म दे रहा है। तो दोस्तों यही कहना चाहता था कि बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे कि बता रहे थे कि निफ्टी और सेंसेक्स डूबने वाला है, नीचे आने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई अचीव कर रहा है। एंड मैंने ये भी कहा था कि हमारी इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, प्रॉब्लम आ सकते हैं बट डेफिनेटली इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो सभी जगह हम लोगों को ऐसे ही देखने को मिल रहा है गुड न्यूज़ से रिलेटेड, मार्केट एट रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई पे ऊपर है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो 500 पॉइंट से भी ज़्यादा, आप यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो, रिकॉर्ड हाई पे ऊपर मार्केट जा चुका है, ऐसी न्यूज़ हम लोगों को पढ़ने को मिल रही है। बट जैसे मैंने कहा था कि आज के दिन का रिकॉर्ड हाई का रीज़न उसी के साथ साथ उससे भी इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट और लंबा टाइम रह सकता है, उससे रिलेटेड मैं न्यूज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट के ऊपर हम लोग जाके देखेंगे तो पूरा क्रेडिट उन्हीं का रहेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा था कि सेंसेक्स ने क्या किया है, अपना लाइफ टाइम का जो हाई है उसको अचीव, एंड निफ्टी ने भी क्या किया, सिर्फ 19 पॉइंट दूर है जो कि हम लोगों को अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है। की फैक्टर बिहाइंड द मार्केट रैली, तो हम लोग यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ हुआ है। तो सबसे पहले यहां पे उन्होंने बताया हुआ है मेटल स्टॉक से रिलेटेड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि मेटल स्टॉक ने जंप दिखाया, चाहे वो टाटा स्टील हो या फिर उसी से रिलेटेड वेदांता हो, ऐसे स्टॉक जो कि हमेशा दबे रहते निफ्टी को नीचे लेके आते वही आज सबसे ज़्यादा अच्छे चले। एंड मेटल स्टॉक क्यों चलेंगे दोस्तों, सभी लोगों को पता है ट्रेड वॉर से रिलेटेड डेफिनेटली कोई अच्छी न्यूज़ आई होगी, एंड ऐसा ही हुआ है दोस्तों जो कि मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑन द US चाइना ट्रेड वॉर फ्रंट एंड द सेंसेक्स रिजिट द वेयर अमॉन्ग द की रीजन फॉर द रैली इन अ डोमेस्टिक मार्केट। दोस्तों तो ये है असली रीजन जो कि आज के दिन हम लोगों को 150 पॉइंट क्यों मार्केट में जंप देखने को मिली, क्योंकि ट्रेड वॉर से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई हुई है, इसीलिए हम लोगों को ये रैली देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में हम लोगों को मेटल सेक्टर के शेयर देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ आप आगे भी देख सकते हो जहाँ पे सेंसेक्स ने बहुत ज़बरदस्त जंप दिखाई, उसी के साथ साथ अगर हम लोग इंडेक्स की और भी बात करें जिसने इसने हाई लाइफ टाइम हाई अचीव किया है, एंड निफ्टी की भी बात करें तो उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस बताया हुआ है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो ये यहाँ पे देख सकते हो द मेटल स्टॉक जंप हो चुका है, टाटा स्टील हो चाहे वो वेदांता हो, उसी से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो BSE के ऊपर मेटल इंडेक्स है जहाँ पे 3.13% का गेन हो चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। उसी के साथ साथ आप और भी आगे देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट किया है, अमंग द अदर सेंसेक्स गेनर देख सकते हैं भारती एयरटेल ने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उसी के साथ साथ इंडसइंड बैंक ने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, HDFC वॉज द बिगेस्ट इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर विद द 91 पॉइंट्स जो कि हमेशा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसी के वजह से हम लोगों को आज जबरदस्त रैली देखने को मिली। तो ये तो हो गई नॉर्मल चीजें दोस्तों, बट अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक न्यूज बहुत ही काम करने वाली है। एंड आप देख सकते हो यहां पे पढ़ सकते हो सेंटीमेंट्स इंप्रूव ऑन अ डलाल स्ट्रेट आफ्टर द रिपोर्ट सेड US एंड चाइना कुड साइन अ डील बिफोर द ईयर एंड। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, ट्रेड वॉर से रिलेटेड US एंड चाइना में करार हो सकता है जो डील साइन कर सकता है बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, मतलब दिसंबर के इसमें हम लोगों को ये डील होते हुए देखने को मिल सकती है। अ सीनियर US ऑफिसर ओवर द वीकेंड सेड एन अ इनिशियल ट्रेड एग्रीमेंट इट इज़ स्टिल पॉसिबल बाय द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर द चाइनीज प्रेसिडेंट एंड उसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप मतलब US के प्रेसिडेंट अनडिस्कवर्ड देर इज एन अ डिजायर ऑन अ फ्राइडे टू साइन अ डील। तो आप ये देख सकते हैं फ्राइडे के दिन मतलब हम लोगों को ये डील साइन होते हुए देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से ये जबरदस्त रैली हम लोगों को देखने को मिली है। उसी के साथ साथ हम लोग और भी आगे पढ़ लेते हैं, जो कि नेक्स्ट पैरा भी यही बता रहा है कि ट्रेड वॉर से रिलेटेड बहुत सारे इकोनॉमिक्स यहाँ पे अफेक्टेड थे, जिसके वजह से अभी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ सेंसेक्स में भी कुछ अच्छी खासी चीज़ें इसलिए हुई है क्योंकि सेंसेक्स में कुछ शेयर्स ऐसे थे जो कि खराब परफॉर्मेंस कर रहे थे, जिन्होंने उन्होंने निकाल दिया उसको, टाटा मोटर्स हो, टाटा मोटर्स DVR हो,
येस बैंक हो, वेदांता हो, उनको इंडेक्स से निकाल दिया है सेंसेक्स ने एंड उसके जगह मिला है यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट को, टाइटन एंड नेस्ले इंडिया जैसी कंपनी को एंड ये इफेक्टिव होने वाला है December 23rd से। सो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जिसके वजह से हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो स्टॉक्स के वजह से सेंसेक्स नीचे आ रहा था, ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब देखने को मिल रही थी, वहाँ पे चेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं जो कि स्टॉक से रिलेटेड इंडिविजुअल बातें बताई हुई है। दोस्तों ये सबसे बड़ी न्यूज़ है जो कि आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ, FPS बुलिश ऑन इंडिया, द फॉरेन इन्वेस्टर पुट एंड ओवर द 5000 करोड़ इनटू द इंडियन इक्विटी मार्केट ऑन अ फ्राइडे एज पर द डेटा अवेलेबल ऑन अ NSDL। नेट इनफ्लो इन द लास्ट वीक वॉज एन अ 2683.96 करोड़। ओवरऑल FIIs हैव लार्जली बीन बुलिश ऑन द इंडियन मार्केट इन अ नवंबर, इन्वेस्टिंग रुपीज अप्रॉक्सीमेटली 17500 करोड़ से। सो डेफिनेटली ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो चुकी है बट आज भी ये न्यूज़ कंटिन्यू कर दिए FIIs ने एंड FPIs ने, ये भी कहा है कि हम लोग इंडिया में और भी ज़बरदस्त यहाँ पे निवेश करने वाले हैं। एंड इसी से रिलेटेड एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आज के दिन का डेटा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं 25 नवंबर यहाँ पे डेट है एंड यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप देख सकते हैं 960.9 रुपीज़ इन अ करोड़, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज भी FIIs एंड FPIs ने किया है। इसके वजह से हम लोगों को सेंसेक्स एंड निफ्टी में ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ हम लोग वापस हमारे न्यूज़ के ऊपर कंटिन्यू कर लेते हैं जहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसी के साथ साथ एशियन मार्केट में भी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो एंड उन्होंने ये भी कहा है कि इसका परफॉर्मेंस यूरोपियन मार्केट में भी बहुत ही अच्छा चलने वाला है क्योंकि वो भी अच्छे खासे गेन के साथ ओपन हुए हुए हैं। उसी के साथ साथ और भी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं जो कि टेक्निकल फैक्टर्स में बताई हुई है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा खासा न्यूज़ है, मतलब US चाइना ट्रेड वॉर से रिलेटेड जो डील होने वाली है जिसके वजह से सबसे ज़्यादा पिटने वाले मेटल शेयर जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे, इसके बदौलत आज 150 पॉइंट से भी ज़्यादा की रैली देखने को मिल रही है। इसका अर्थ ये है कि NSE की जो निफ्टी 50 में स्टॉप शेयर आते हैं, HDFC बैंक हो, HDFC हो या फिर TCS हो, इन्फोसिस हो, उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं रिलायंस हो, इनको टॉप गेन में आज जगह ही नहीं मिली है। इसका मतलब ये शेयर वापस चलेंगे जो कि निफ्टी 50 में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो आप समझ सकते हो कि निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो सकता है। एंड इसी ये दो न्यूज़ के कारण दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि आगे इंडियन मार्केट और भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है जो कि ये FIIs से रिलेटेड उन्होंने एंड FPIs से रिलेटेड उन्होंने कहा है कि मार्केट में वो लोग इंटरेस्टेड है, आज भी 1000 करोड़ से ज़्यादा निवेश किया है। एंड उसी के साथ साथ जो US एंड चाइना का ट्रेड वॉर है जिसके वजह से मेटल सेक्टर्स की वजह से निफ्टी और सेंसेक्स में प्रेशर बन रहा था वो भी अभी हम लोगों को हील होते हुए देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल मार्केट की चाल ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी एंड इसी वजह से आज हम लोगों को मार्केट में 150 पॉइंट की रैली देखने को मिली। उसी के साथ साथ हम लोगों को ये रैली और भी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, थोड़ा सा आवाज़ में आप लोगों को डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, पॉजेस देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ ना थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं है मेरा, बट स्टिल आई होप आप लोगों को ये मैसेज अच्छी तरीके से एंड इन्फॉर्मेशन कन्वे हो चुका होगा। एंड वापस आप लोगों को यही याद दिलाना चाहता हूँ कि मार्केट में ऐसी अफवाहें हमेशा आती रहती है कि मार्केट गिरेगा, मार्केट टूटेगा, बट आप लोगों को हमेशा अपना लॉजिक इस्तेमाल करना है एंड कोई भी अच्छा शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में रहता है उसको कभी भी बेचना नहीं है डायरेक्टली ऐसी कोई भी अफवाह सुनने के बाद। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों आप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड अगर इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।